बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक हैं, खुश हैं और खैरियत से हैं। वेलकम इन जेवे तुजाला। आज का जो मेरा व्लॉग है वो सिंपल अबाउट मेरी रूटीन के बारे में है। सो अभी सुबह का टाइम है, लेट्स स्टार्ट द डे। व्लॉग को देखिएगा एंड तक। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले कर लें। अभी मैं तो यहाँ पर अपने नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले मैं अभी कॉफ़ी बीट कर रही हूँ, ठीक है, अगर मैं कॉफ़ी बना सकूँ। और अभी जब मैं अम्मी की तरफ गई थी ना, तो मेरी जो छोटी बहन है जो क्वेटा में होती है, वो जब आई थी अम्मी की तरफ, तो ऑब्वियसली तब मैं नहीं थी हैदराबाद में, तो वो मेरे लिए कुछ चीज़ें रख के गई थी लाइक गिफ्ट्स वगैरह। तो उसमें क्योंकि वो क्वेटा में होती है, तो आपको पता ही है क्वेटा में फिर ईरानी चीज़ें इस तरह की बहुत सारी होती हैं, तो कुछ कैंडीज़ वगैरह और इस तरह के बिस्किट्स एंड ब्यूटीफुल सी वेलवेट शॉल, ये सब वो मेरे लिए छोड़ के गई थी। तो फिर जब है ना, जब हम हैदराबाद आते हैं, तो फिर पीछे जो बहनें आती हैं वो अम्मी के घर ना गिफ्ट्स छोड़ के जाती हैं, तो फिर वो आके रिसीव करो तो बहुत मज़ा आता है। सो या मैं आज यही इंजॉय करने वाली हूँ अपने ब्रेकफास्ट में। सबसे पहले तो बस अब मैं कॉफ़ी जल्दी से बीट कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। मॉर्निंग व्यू अगर कि मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो कुछ ऐसा है, ठीक है। अच्छा, ये है कि मेरे फादर इन लॉ जो है वो बाहर सोते हैं टेरेस पे, बिकॉज़ बहुत प्यारी जो है वो हवा चलती है रात में, तो आपको किसी फ़ैन की किसी एसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे ही हैदराबाद काफ़ी मशहूर है कि वहाँ पे हवा बहुत अच्छी चलती है। सो या ही यूज़ टू स्लीप हेयर नाइट में, बट जब ऑब्वियसली सुबह हो जाती है, सूरज आ जाता है, तो फिर वो अंदर जाके सो जाते हैं। तो अभी मैं ये बिस्तरा वगैरह भी सेट कर लेती हूँ और मैं आपको मॉर्निंग व्यू दिखा देती हूँ। वैसे वेल इट्स नॉट वेरी अर्ली मॉर्निंग, बट या इट्स ऑब्वियसली मॉर्निंग। तो ये है यहाँ का मॉर्निंग व्यू, ठीक है। अभी पहले तो मैंने अपने ये बैग्स ओपन नहीं किए थे, बिकॉज जैसे मैंने पहले भी अपनी वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मेरे बैग्स अभी तक मैंने सही तरीके से ओपन नहीं किए इतना सामान, बिकॉज हालांकि लिए दोबारा से मुझे पैकिंग करनी पड़ेगी एंड ऑल दैट। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या चीज़ निकालूँ और फिर क्या चीज़ दोबारा से पैक करनी पड़ेगी। लेकिन अभी मैं सोच रही, चलो मेरे पास अभी टाइम है, तो मैं ऐसा करती हूँ, वैसे कपड़े हैं कौन सा जो है ना वो कोई चीज़ ख़राब होने वाली है, तो मैं हालांकि जो चीज़ें हैं वो ज़रा साइड कर ही लेती हूँ और अपने कबर्ड्स को सेट कर लेती हूँ। तो फ़िलहाल अभी जो है ना वो आई एम डूइंग दिस टास्क, और क्योंकि अभी खाना बनाने में थोड़ा सा टाइम है, तो अभी मेरे पास टाइम है, तो मैंने कहा कि चलो मैं जो है वो ये सब कर लेती हूँ। अभी तो सीन कुछ ऐसा है कि मैंने कहा अभी लाइट आई थी, तो चलो कल ना थोड़े बहुत कपड़े मैंने धो लिए थे, तो अभी मैं बस आयरन कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद अभी मैं सोच रही थी कि खाने में जो है वो क्या बनाऊँ, तो कुछ समझ में नहीं था आ रहा, तो पहले अभी जो है ना वो कीमा मंगवाया, तो पहले कह रही थी कि चलो कीमा बनाती हूँ, लेकिन फिर अभी इस्त्री करते करते दिमाग की बत्ती जली और सोचा कि चलो कोफ्ते बना लेती हूँ। तो मैं फिर किचन एरिया में जाती हूँ, तो फिर सोचती हूँ वैसे कोफ्ते ही बनाते हैं, फ़िलहाल इस्त्री कर लूँगी। यार लाइट बहुत जाती है, सीरियसली लाइट का बड़ा टफ शेड्यूल है, तो लाइट होती है तो बस यही होता है कि जल्दी जल्दी सबसे पहले ना लाइट के काम कर ले। लुक एट दिस फ्रेश जामुन, दे आर जस्ट लव। इतने मज़े के आजकल जामुन आए हुए हैं ना, बहुत यमी। अभी तो मैं किचन में आ गई थी फटाफट, बिकॉज लाइट जाने वाली थी, तो मैंने कहा चलो कि मैं ना कोफ्ते का मसाला एटलीस्ट बना के तो रख लेती हूँ, और उसके बाद क्योंकि ये चॉपर में से चॉप हो जाएगा ना, तो फिर मैं करती रहूँगी काम, लाइट चली जाएगी तो फिर बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा। साथ ही मैंने प्याज़ और टमाटर जो ग्रेवी के लिए चाहिए था वो भी ग्राइंड कर दिया है। और फ़िलहाल तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, मतलब अभी मुसलसल इस्त्री भी की थी और फिर ये भी सारा काम किया था, तो अभी मैं सबसे पहले कह रही हूँ कि मैं फ़्रेश चिकन जी बना के तो इन्जॉय करूँ। और अभी आजकल बहुत अच्छे लेमन आए हुए हैं, और आप लोग भी अपनी डेली रूटीन में चिकन जी को ज़रूर ज़रूर शामिल करें, इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ एज़ वेल, और ये आपको डिहाइड्रेशन से भी बचाता है, नींबू के फ़ायदे तो खैर सबको ही पता है, तो अपनी रूटीन में ज़रूर शामिल करें चिकन जी को। बस अब ये फ़ौरन से पहले मैंने जग बना के ना पूरा पी लेना है बस। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग है। ओके, सो लेट मी शो यू, हियर इज़ द टिनटिन वाला, लेट मी शो यू। यहाँ पर बहुत तरह ये चीज़, ये टिनटिन वाले अंकल हैं, ठीक है, यहाँ पर आते हैं, और ये इनके पास कुल्फ़ी है मज़े की, खोए वाली कुल्फ़ी, और ये यहाँ पर ना हैदराबाद में ये आते हैं, ठीक है बेचारे, और लेकिन इनकी कुल्फ़ी बहुत अच्छी होती है, हम लोग को बचपन से खाते आ रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट अंकल्स होते हैं और ऐसे टिनटिन बजाते हैं, दिन में ये वाले टिनटिन वाले आते हैं और रात में दूसरे वाले टिनटिन वाले आते हैं, वो दूसरे होते हैं टिनटिन वाले, उनके पास बहुत सारी चीज़ होती है, तो ये कुल्फ़ी वाले अंकल हैं। अभी यहाँ से तो बकरों की भी आवाज़ें आनी थी, मुझे लगता है कि हम लोगों के पड़ोसियों में से किसी ने बकरे भी ले लिए हैं, तो बहुत प्यारी जो है वो बकरों की आवाज़ें भी आ रही थी, और हमारे बकरे तो यहाँ नहीं आते, हमारे बकरे तो हाला में आते हैं,
तो लेकिन जब किसी के पास बकरे आते हैं ना तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है. सी मतलब लाइक सी नहीं लिसन, कैन यू हेयर द ब्यूटिफुल साउंड ऑफ, येस कैन यू हेयर द ब्यूटिफुल साउंड ऑफ बकरा. आई गेस उस वाले घर में बकरा है मे बी, या सामने वाले से आवाज़ नहीं आ रही, वहाँ से आवाज़ आ रही है मुझे, या फिर हमारे साथ वाले में से. तो बकरा भी आ गया है बॉस यहाँ पर. और ज़ाहिर है अभी ईद जैसे जैसे करीब आएगी लोगों ने जानवर लेना स्टार्ट कर दिए हुए हैं. ये देखें क्यूट जी. तो सालन तो हो गया है मज़ेदार किस्म का रेडी, कोफ्ते आलू रेडी हो गए हैं और इसके ऊपर बस डाल रहे हैं हरा धनिया. सो लंच हो गया है रेडी, अब बस मैं बात लूँगी और उसके बाद पढ़ूँगी मैं नमाज़. सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई टुडेज़ ब्लॉग, होप यू लाइक इट, होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा. मेरे चैनल को कीजिए ज़रूर सब्सक्राइब और अपना रखिए बहुत सारा ख्याल. मैं मिलूँगी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में. टिल देन खुश रहिए और खुश रहने दीजिए, अपना रखें ख्याल. ओके बाय, अल्लाह हाफिज़.